हमको जब डेंगू हुआ था 2017 या 18 में हुआ था, उस समय इतना फेमस पहले बैच में हमरे मार दिया। नमस्कार दोस्तों, जब खान सर को डेंगू हुआ तो कैसे हुए ठीक, अगर आपको भी डेंगू हो जाए तो क्या करना चाहिए खान सर ने बताया, तो बन रहा है वीडियो पर चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों जब डेंगू होता है तो प्लेटलेट गिरने लगता है, तो खान सर ने बताया कि प्लेटलेट रोकने के लिए गिलोय एलोवेरा और पपीता का पत्ता पिया जाता है और प्लेटलेट बढ़ाने के लिए कीवी फल खाएं। सुनिए खान सर क्या बोल रहे हैं। जितना फल खाएंगे प्लेटलेट बढ़ाएगा, लेकिन फल खाएंगे प्लेटलेट बढ़ाएगा, लेकिन दिक्कत यह है कि प्लेटलेट गिरते रह जाएगा, तो प्लेटलेट बढ़ा के क्या करेंगे। एक पानी टंकी है, उसमें अगर छेद कर दे तो कितना पानी भरेंगे, बाहर चला जाएगा पानी। तो डेंगू में ना ये कीवी खाइएगा, फल खाइएगा, ये सब चीज प्लेटलेट बढ़ाने के लिए। जो प्लेटलेट गिर रहा है उसको तो पहले रोको, और तो ऑटोमेटिक जाएगा। गिलोई एलोवेरा पपीता का पत्ता पीस के ना, ना 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 नहीं खा पाएगा, छोटा छोटा टुकड़ा टूट के घोट जाओ। हम लोग तो इसे थोड़े ना किए थे, वो इतना खराब लग रहा था जिसका कोई हद नहीं, तो उसको हम कैसे खाए थे। नया कैची लाए थे, उसको बुकनी बुकनी काट दिए, किसको, पपीता का पत्ता को। अब खैनी कैसे बनाया जाता है, खैनी की तरह एकदम पतला करके गया काम से। गिलोई और एलोवेरा ध्यान से ज्यादा रखना है आप। हमको जब डेंगू हुआ था 2017 या 18 में हुआ था, उस समय इतना फेमस भी नहीं था डेंगू, और नया नया आया था अभी, पहले बैच में हमरे मार दिया। दोस्तों डेंगू से छुटकारा पाने के लिए खान सर का यह उपाय आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें।